आज मैं रुखसार हसन, मैं इमरान अली, मैं मोहम्मद तलहा, मोहम्मद असलम और मैं मोहम्मद इमरान, मैं हूं अली शेर, मोहम्मद फवान, मैं रहमतुल्लाह, मोहम्मद बिलाल, उमर इरफान, अली हैदर, अली हैदर। देखिए आज मेरे साथ दो नए बच्चे हैं, मैं कहूं भाई आप क्या दिखाते हैं बच्चों को, बड़ी आपकी भी गांव में धूम मची हुई है कि बच्चों को गाइड कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो इनके इन बच्चों ने भी कहा कि सर हमने भी बैठना है, आप हमें भी बिठाएं, मैं आ जाओ, मेरा तो काम ही यही है। अच्छा, हमारे इंडियन भाइयों का शिकवा था कि आप हमेशा इंडिया में मुसलमानों के जो हालात हैं वो दिखाते हैं, आपने कभी भी पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल नहीं दिखाया, तो आज उसी पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा सारी तकरीबन। तो आज आलोक सर की वीडियो है, वीडियो का टाइटल है हाउ मुस्लिम्स ट्रीट्स पुअर पाकिस्तानी हिंदू। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं वीडियो रिएक्ट करने वाला हूँ वो वीडियो है एक पाकिस्तानी हिंदू यूट्यूबर हैं, समथिंग लखन राम है कुछ नाम है ऐसा, उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया है और मेरे दर्शकों ने मुझे रिकमेंड किया। इसका टाइटल है हाउ मुस्लिम्स ट्रीट विद पुअर पाकिस्तानी हिंदूज, मतलब उनको सेम ग्लास में पानी नहीं दिया जाता, उनके लिए अलग से बर्तन होते हैं, उनको छूने नहीं दिया जाता कुछ भी खाने को जो हिंदूज हैं वहाँ पे, तो इस तरह का भेदभाव बरता जाता है। तो आइए देखते हैं कि भाई वीडियो में क्या वो इसका सबूत दे पा रहे हैं और क्या वो दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, जो लोग हैं वो किस तरह से भेदभाव करते हैं माइनॉरिटी के साथ, ये भी आज देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने था अभी कुछ भाई कह रहे थे कि आप झूठ बोलते हो यार, हम झूठ नहीं बोलते, हमारे जो बर्तन है वो अलग रखे जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पर पड़े हुए थे, मिट्टी से भरे हुए थे और हमने लिए पानी में, पानी डाला उसमें, हमने अपने हाथों से धोया और फिर पानी पिया, यानी कि पानी पीने का जीप भी नहीं कर रहा था, लेकिन बस मजबूरी थी, प्यास लग गई थी। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो सब लोग? तो भाई साहब जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि हमारी जो कड़ा की फसल है वो कट रही है और भाई आज भी जो हमारी मशीन चल रही है कट रही है, तो आज जो अभी मुझे फ़ोन आया है कि हमारी जो मशीन जो कड़क काट रही थी ना, तो वो उसके कुछ नट वगैरह जो होते हैं बोल्ट, नट बोल्ट जो होता है ना वो टूट गए हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ और जाकर हमने वो लेने हैं, शहर की तरफ जाएंगे और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं जी और आप लोगों को दिखाते हैं आगे, ठीक है गाइस। अच्छा तो एक और बात है गाइस कि काफ़ी लोग मुझे ये बोल रहे थे, काफ़ी दोस्त मुझे ये बोल रहे थे, कह रहे थे भाई आपने एक दो वीडियो में कहा है कि यहाँ पर जो है मुसलमान हमारे बर्तनों को अलहदा रखते हैं, तो क्या वो आप सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो, तो इसका आप जो है हमें लाइव सबूत दिखाओ, लाइव प्रूफ दिखाओ, ठीक है ना। तो आज हम जाएंगे ना, क्योंकि हमारे साथ भाई रोज़ाना ऐसा होता रहता है, हम पानी वगैरह जब जाते हैं बाहर शहर की तरफ पानी वगैरह पीते हैं, तो हमारे जो गिलास होते हैं, जो अगर खाना खाते हैं किसी होटल पे, तो हमारे जो बर्तन होते हैं वो अलग रखे जाते हैं, हम उठाते हैं धोते हैं, लेकिन ये कभी जो है व्लॉग वगैरह में कोई वीडियो वगैरह में आज तक नहीं आया है, ये सिर्फ बताया है मुंह से बोल के, ठीक है ना। लेकिन आज जो है जा रहा हूँ तो मैं हूँ, मेरे साथ में कज़न भी है और हम दोनों जा रहे हैं जी अभी कुछ सामान लेना हमें शहर से, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी वगैरह तो वैसे भी पियेंगे ही पियेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं जी, चल के आप लोगों को ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। ये कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई मैं फसाद फैला रहा हूँ, जो है वो सच दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग आएंगे और अभी कमेंट करेंगे कि यार आप तो ये कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है, बल्कि जो सच है वो मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि जैसा हमारे साथ बर्ताव होता है ना, वो मैं उसको एक वीडियो के थ्रू, व्लॉग के थ्रू दिखा रहा हूँ। जैसा जैसा होगा मैं आज व्लॉग बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, और एंड तक जुड़े रहना हमारे साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना अपने भाई को, क्योंकि अभी कुछ दिन मैं इसी तरह के व्लॉग डालता रहूँगा, फिर जो है अच्छे अच्छे व्लॉग भी आएंगे। तो चलते हैं जी आगे और व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। ये गाइस देख सकते हो आप लोग, यह हमारा है आम का बूटा और यहाँ पर छोटी छोटी जो उंगलियाँ होती हैं वो लग चुकी है, ये देख लो जी, और ये बूर भी लगा हुआ है, इसके दो आम लगेंगे, ठीक है ना। तो अभी मौसम है, तो ये छोटे छोटे देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे जो है लगे हुए हैं, काफ़ी सारे बहुत बड़ी तादाद में जो है लग चुके हैं,
और ऊपर काएं चिड़िया जो चहचहा रही है, और ये देख लो जी। तो हमारे यहाँ गांव में जो आम के पेड़ होते हैं उन पे जो ये कहते हैं, हम उनको कहते हैं मोजर, जो फूल जैसे जब आम के फूल निकलते हैं ना छोटे छोटे, तो उसको कहते हैं मोजर, और जब छोटे छोटे आम निकल जाते हैं उसे तो उसको कहते हैं टिकोरा। तो टिकोरा खाते हैं हम, काट काट के कच्चा जब वो गिरते हैं तो वैसे भी बड़े खट्टे होते हैं, डिपेंड करता है किस पेड़ के हैं, मीठे वाले आम के होंगे तो हल्के से मीठे भी होते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आम के, उसको शायद मंजर भी कई जगह पे कहते हैं। तो हमारे यहाँ मोजर कहते हैं और टिकोरा कहते हैं, मतलब मोजर जो आम का फूल निकला जिसमें से वो छोटे छोटे आम लगेंगे, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइए कमेंट भाई आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको। ये है हमारा आम का दरख्त। तो काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैंने इसे भी शेयर किया, जब मैं न्यू व्लॉगिंग करता था ना तो हम यहाँ पर आकर आम वगैरह तोड़ते थे ना, तो उसके भी मैंने व्लॉग डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो यानी आम जब लगते हैं ना तो हम तोड़ने आते हैं, तो मैं इसका व्लॉग फिर बनाऊँगा, जब तोड़ने आऊँगा ना इसका व्लॉग बना दूँगा। और यहाँ पर एक और भी फल है, तो इसे शहतूत कहते हैं, शहतूत गाइस। यहाँ पर छोटे छोटे शहतूत भी लगे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शहतूत जो है ना बहुत मीठे होते हैं भाई, ये देख लो छोटे छोटे लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, थोड़े पक गए ना, तैयार हो गए ना तो फिर अच्छे होते हैं। मैं कुछ तोड़ के ट्राई भी करना चाहूँगा। हम इसे गोले भी कहते हैं, गोला, आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट करके बताना, अगर जिस भाई ने शहतूत खाए होंगे ना उन्हें पता होगा। जैसे कि अभी ये देख लो जी, हाँ इसमें जो है ना गाइस, ये देख लो ये थोड़ा पक्का हुआ और इसमें रस भी होगा, तो मैं टेस्ट करता हूँ। हाँ भाई ये मीठा है, वाकई लगे हुए हैं मीठे हैं भाई, छोटे छोटे हैं भी लेकिन इसमें पानी भर चुका और ये मीठे हैं बिल्कुल। मैं और भी ढूंढ रहा हूँ और खाने की कोशिश कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है भाई ये खाने में, मज़ा आ रहा है। हाँ एक है, दो गिलास है यार, ये एक है, दो दो लेने हैं ना, दो तो लेना है, इसके इसकी कुंडी भी नहीं है, हमारे गिलास है ये, इसमें हम पियेंगे पानी। कितने का? 50 का, 60 रुपए का, पता नहीं 60 का होगा, 60 का होगा। हाँ तो यहाँ से जी पीते हैं जी ठंडा ठंडा पानी, बादाम वाला। और यहाँ पर चेयर लगी पड़ी है तो हम यहाँ पर बैठ कर पियेंगे। ये देख लो माल तैयार हो रहा है उधर, बाकी इधर जो है यानी कि पानी तैयार हो रहा है, ये हमारे गिलास हो रहे हैं भाई, चलो भाई हमारा गिलास हो रहा है। हाँ कितनी इज्जत है, बहुत इज्जत है हमारी। भाई कितने का गिलास है? 70-50। कौन सा ले हुआ? 70 वाले लेते हैं। 70 वाला? 50 वाले, 50 वाले, 50 वाला भाई। भाई अभी बना रहा है मेरे वाला, दो यार मैं भी बना रहा। मेरे वाले भी दो ना भाई, इधर पानी पानी दे यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे गिलास दो। तो ये बेल्ट लेने के लिए आए थे, बेल्ट को रख देते, यहाँ पर मशीन का बेल्ट खराब हो गया था, और भाई अभी डाल के दे रहा है हमें पानी। और ये मेरा वाला गिलास है जो भाई दे रहा है, अपना धो लिया था गिलास है। अच्छे तरीके से धोना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर, यहाँ के किसी भी जूस स्टॉल पे आप चले जाओ, किसी भी ठंडे पानी के स्टॉल पे चले जाओ, कोई भी ये काम नहीं कर सकता कि आपका धर्म पूछे, मजहब पूछे, और अगर आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी जाति को, और आपको कहे कि जी आप अपना ग्लास लेकर आओ उसमें पिलाएंगे। ये फर्क है, हमारा संविधान हम सबको बराबरी का हक देता है, और कोई कह नहीं सकता, अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी कि आपने कहा कैसे कि आप अपना ग्लास से पियो और ऐसा करो। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। मैं अभी ऑफिस में, गर्मी आ रही है तो ऑफिस में मैंने एसी लगवाया है, तो एसी लगाने वाले कल जो आए वो मोइन भाई थे। मोइन भाई ने कहा कि भाई साहब पानी मिलेगा क्या पीने के लिए, थोड़ी गर्मी बढ़ गई है भाई, काम कर रहे थे। मैंने बोला बिल्कुल। तो उनको उसी ग्लास में पानी दिया गया है जिन ग्लासों में पानी हम पीते हैं यहाँ पर, जो ऑफिस में हमारे पास ग्लासेस हैं और जिन ग्लासों में हम पानी पीते हैं, हमने उनको भी पानी उसी ग्लास में दिया। हमने ये नहीं, मुझे पता है कि वो मुसलमान है तो मैं ये नहीं करूंगा कि भाई ये मैं पानी ना, मैं दूसरा भी यार ग्लास तो आपके लिए है ही नहीं यहाँ पे।
और ये हमने हमें किसी ने सिखाया भी नहीं है और ये हम ऐसा करते भी नहीं है। तो ये बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% पूरे इंडिया भर में ऐसा ही होता होगा, होती होंगी कई जगहों पे चीजें, लेकिन अब ये बहुत मिनिमम रह गई, बहुत मिनिमम, बदल चुकी हैं सारी चीजें। और बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम सब ने अपने आप को एजुकेट किया है, हम सब ने जिंदगी के असल मायने अब सीखने शुरू किए हैं, तब जाकर हुआ ऐसा। और बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे पाकिस्तान में ये देखकर कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। बड़ा ठंडा उस्ताद सारा नहीं धुप काम करना इतना ठंडा ना पिलाया कर। बहुत ही ज़्यादा भाई साहब ठंडा है ये तो, क्योंकि हम सारा दिन ना मतलब कि ज़मीन वगैरह हम काम करते हैं ना धूप में, तो अगर इतना ठंडा पिएंगे तो हमें यानी कि नज़ला वगैरह हो जाता है। फिर चलो पी के टेस्ट करके बताते हैं आपको। मस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ भाई कैसा लगा? बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार है, ठंडा बहुत है ना, बहुत ठंडा। चलो तो पानी हमने पी लिया, अब हम गिलास अपने धो लेते हैं जी। और गिलास धो लिया, अब इसे एक साइड पे रखने होते हैं। छापर जल्दी करो यार। हाँ क्या ये डाल दिया, यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर डाल देते हैं। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम लेते रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धोकर रख देते हैं, धोकर पी लेते हैं, जो भी आएगा अपना धो लेगा। और 50 रुपये का और बहुत ही टेस्टी था। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जी अपने खेतों में, और यहाँ पर जो ट्रैक्टर का हम सामान लेकर लेने के लिए गए थे वो लेकर अब फिट कर रहे हैं। तो आप लोगों के सामने था अभी, कुछ भाई कह रहे थे कि आप झूठ बोलते हो यार। हम झूठ नहीं बोलते, हमारे जो बर्तन है वो अलग रखे जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पर पड़े हुए थे, मिट्टी से भरे हुए थे, और हमने लिए पानी में पानी डाला उसमें, हमने अपने हाथों से धोया और फिर पानी पिया, यानी कि पानी पीने का जीप भी नहीं कर रहा था, लेकिन बस मजबूरी थी, प्यास लग गई थी, थोड़ा सफ़र था ना तो हम गए थे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है एक ऊपर तो ठीक है, तो फिर हमने भाई मजबूरी से पानी पी लिया वहाँ पर धोकर रखे, लेकिन पानी पीने के लायक वो गिलास थे नहीं, हालांकि इतनी इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी। फिर 50-50 रुपये दिए उन्हें एक एक गिलास का, और फिर हमने धोकर जो है वो हाथ भी नहीं लगाते, पड़े रहते हैं भाई हाथ भी नहीं लगाते ये लोग ना, फिर हमने छापर में डालकर जो ऊपर लटका दिए ठीक है। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहते हो? मैं तो कहना चाहता हूँ हमारी इतनी इज्जत है भाई जान। हाँ इज्जत है, देख लो बहुत इज्जत है हमारी। ये आपके सामने थी जो इज्जत थी, जो इज्जत थी आपके सामने थी। और क्या कहेगा और हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम बहुत शर्मिंदा है यार। शर्मिंदा आप नहीं है भाई। भाई कह रहा हूँ बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते है ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी अपना काम करते हैं जी, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, कोशिश यही करते हैं कि होटल वगैरह पर, रेस्टोरेंट पे या किसी पानी वाले ठेले पे जाकर पानी ना पिए तो ही अच्छा है, लेकिन बाज़ों का शहरों में जाना पड़ता है ना हमें, तो फिर शहरों में जो है ये काम चलता है, वहाँ पर जो है फिर अलग-अलग बर्तन रखे जाते हैं, अगर खाना खाना तो वो लोग कहते वो पड़े आपके बर्तन जाकर उठा लो, हमें अपनी शिनाख्त करानी पड़ती है ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई, इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो एक दो बार ऐसा वाक्य हो चुका है, फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। तो चलो जब भी हम तैयारी करने वाले हैं इधर, तो काफ़ी यानी कि टाइम जो हमारा इधर ही गुजर गया, कुछ ना कुछ हो जा रहा है, पता नहीं कैसा देना भाई ट्रैक्टर को, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो आप देख सकते हो जी अब ये फिटिंग कर रहा है, फिटिंग करने के बाद जो है फिर काम चालू कर दिया। ये लो बूटा जी, अब ये बूटा जी फिर से आ गया जी, वो घुमाओ ठीक है ना।
तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आपने सबूत भी देख लिया, आपने बातें भी सुन ली। ये पाकिस्तान के हिंदू हैं और इनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है ये आपको विद सबूत नज़र आ गया। अब जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो हमारे भारत के रहने वाले हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, क्या वो मुझे बताएं कि क्या उनके साथ भी ऐसा किया जाता है क्या? क्या जब आप किसी रेस्टोरेंट पे, किसी जूस वाले के यहाँ, किसी होटल में आप खाना खाने जाते हो तो आपको कहा जाता है कि अपना बर्तन लेकर आओ या अपना ग्लास लेकर आओ, वहाँ पर आप पी लो, क्या आपके साथ ऐसा कहा जाता है? मुझे लगता है कि ऐसा कहा जाता होगा। बमुश्किल इक्का दुक्का केस निकल गए तो निकल गए, वरना शहर में तो मैंने कभी देखा नहीं। और इनफैक्ट मतलब हम लोग तो वैसे ही खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हमें, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है? और अमूमन मैंने पाकिस्तानी वीडियोज़ में ही देखा है कि उनको कहते हो कि जी इस्लाम कहता है कि सब बराबर हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन लोग छुपाते हैं। शिया सुन्नी का डिस्क्रिमिनेशन है, अहमदिया का डिस्क्रिमिनेशन है, पसमंदा मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन है, सैयद मुसलमान है, पसमंदा मुसलमान हैं। अब देख लीजिए हिंदुओं के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद भी अगर कहते हैं कि जी सबको एक नज़र से देखा जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ मत बोलिए, जो सच है बोल दीजिए, जो सच है वो बोल दीजिए, लेकिन काम भी करेंगे और उसको छुपाने के लिए झूठ भी बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सही रास्ता नहीं है, ये धोखेबाजी वाला रास्ता है। खैर आपकी मर्जी है, लेकिन भाई अच्छा लगा इनका व्लॉग। और इन्होंने, मैं इनके हिम्मत की दाद दूंगा कि भाई वहां पर रह के और वहां पर एकदम मतलब जो 1% से भी नीचे बचे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, 10-20% हो भाई माइनॉरिटी में, 1% से भी कम बचे हैं, उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही तो ये हिम्मत वाली बात है भाई। अब कल को पता नहीं इनका व्लॉग देख के पता चले कि वहाँ के जो आसपास के मौलवी मौलाना हो इनके खिलाफ फतवा निकाल दें और इन पर कुछ हो जाए, तो भाई ध्यान रखिए अपना। और बाकी आप लोग कमेंट में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में कहें और बताएं। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही ख़त्म। मेरे काफ़ी भाई इंडियन भाइयों का ये भाई थोड़ी सी मुझसे शिकवा भी था कि आप हमेशा इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी वीडियोस लाते हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं, हम आपको प्रूफ भी देते हैं कि इधर भी मुसलमान सेफ हैं। तो वो हमें प्रूफ मिले भी, हमने अपनी आंखों से देखे भी, हमारे कई लोगों ने उनके साथ लाइव कॉल भी की, बातें भी हुई, चैट भी हुई, सारा कुछ हुआ। और आज वीडियो थी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर क्या सलूक किया जाता है। भाई देख कर दिल दुखा, बहुत ज़्यादा दुखा। थोड़ा बहुत आप बने कि भाई यार इस तरह क्यों करते हैं ये पाकिस्तान के अंदर। बच्चों ये हमारे तफरका फैलाया गया है क्या? हमारे इस या इस्लाम ये चीज़ें सिखाई जाती हैं? या अगर इधर के जो मुस्लिम, इधर के जो लोग हैं, हमारे क़ायदे आज़म ने तो ये कहा था कि यहाँ चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, हिंदू हो, सिख हो, काला हो, गोरा हो, अब ये इस मुल्क में सब सेव है और एक बराबर है। सब भाई देखिए मेरे साथ, हमारे जो बड़े लीडर्स थे ना, कायदे आज़म हमारे लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान के बाद बनने के बाद 1948 को पाकिस्तान के फ्रांस से खिताब करते हुए कहा था कि अब ना कोई हम पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, कोई भी, अब हमें मुसलमान है और हमें सिर्फ पाकिस्तान की बका के लिए सोचना है। हम मुसलमान ही, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, सॉरी मुसलमान लफ्ज आया, सॉरी मुझे वो डाउट हो गया। तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी, उन्होंने तो नहीं कहा, और उन्होंने ये खसूस अकलीतों के लिए कहा था कि पाकिस्तान में जितनी अकलियत है ना, एक मुनासिब हकूक फराहम किए जाएंगे और एक मुनासिब वक्त के मुताबिक ना। अच्छा बच्चों से भी उनकी राय लेंगे, पूछेंगे बच्चे इस पर क्या सोचते हैं कि अगर बच्चों आपको, आप एज अ मुसलमान, अगर कोई मुसलमान आप जाते हैं इंडिया में, कोई मुसलमान के अंदर उनके बर्तन अलग कर दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरी लगेगा ना? सिर्फ इस बुनियाद पर आपके बर्तन अलग हो जाए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, कि अगर आपको इस तरह का सलूक होता है तो आप, सारी बात है, आपको बुरी लगेगा। अगर मजहब की बुनियाद पर तकसीम होती है तो भाई मेरा तो दिल बड़ा दुखा है। बच्चे इस पर क्या गया, बच्चों से पूछेंगे, इमरान भाई से पूछेंगे, आपको ये सीन दे कर यो, उस ग्लास अपने पास से लेकर गया था बेचारा, आई थिंक मौसम है, अब कटाई का मौसम आ गया, तो कैसा आपको ये लगा देख कर इमरान भाई? भाई मुझे तो बहुत दुख हुआ, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो वो भाई है ना जिसने वीडियो बनाई, हुआ इस भाई की बात सुनकर के वो अपना अलग ग्लास लेकर गया उसके पास,
और जिस भाई ने वो वीडियो बनाई है ना अलोक सर, अलोक सर उसने बहुत अच्छा किया, उसने अपने पास से ग्लास दिया भाई को और अपने पास से बर्तन दिए पानी पीने को। हाँ जी जी दिला बेटा तुम कुछ कहना चाहोगे, आप कैसा लगा और ये ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, होना चाहिए क्यों होना चाहिए? जी मुझे तो बहुत बुरा लगा कि उसके साथ ऐसा उन्होंने सलूक किया, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि मजहब के नाम पर आपको दुत्कारे या आपको ज्यादा बर्ताव? भाई हमारे मुसलमानों को पता है ये क्या बात है, कहते हैं कि वो हिंदू हैं नापाक हैं। हाँ, तो बंदा इनसे पूछे कि ये कभी मस्जिद में गए हैं? ये कितने मुल्ला हैं, ये कितने पढ़ लिखे हैं, ये कितने ईमानदार हैं। अगर सबसे पहले भाई रुखसार आती है इंसानियत, अगर बंदे में इंसानियत ही नहीं है तो बंदा किसी काम का भी नहीं, बिल्कुल नहीं। असलम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई मुझे दुख तो नहीं हुआ, अलबत्ता बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है इस बात पे कि जब उसने 2-3 गिलास अपने निकाले और एक गिलास से उसने पानी पिया, तो मैं तो कहता हूँ ये तो इंसानियत के खिलाफ है बिल्कुल। उसको ठीक है उसको अपने अलग गिलास नहीं होने चाहिए थे, इनका गिलास जो है ना मुसलमानों का गिलास होता वो साफ करके चलो पानी एक दो बार उसमें डाल के साफ कर लेता वो समझ में आता। दो लेते अगर ज्यादा ही तो डाउट था ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि 2-3 उसने अपने गिलास अलहदा से उठाए हुए हैं और वो पूछता है कि आपके अपने गिलास कहाँ हैं। ये तो एक किस्म का इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। हम भी रहते रहे हैं, हम हिंदुओं में भी रहे हैं, सिखों के साथ भी रहे हैं, बाहर जब मैं रहता रहा हूँ तो उनके साथ खाते भी एक गिलास में एक जगह पे इकट्ठे खाते थे, कोई बाहर जगह सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई मजहब नहीं देखता, कोई बाटो नहीं देखता, ये सिख है सभी के साथ मिल बैठ के खाया है और कभी ये जेन में भी नहीं आया कि ये। इसका मतलब यही है ना भाई इस्लाम के यहाँ फिर जो है ना सोच का फर्क है भाई, ये नहीं कि हर बंदा ये सोचता है, हर पाकिस्तानी ये सोचता है, कोई चांद एक है जो ये समझता, ये सिख है ये ईसाई है उनके खाने पीने का फर्क समझते हैं कि। अली शेर जी, अली शेर बेटा क्या आप कहेंगे इस वीडियो के बारे में, जो हिंदुओं के साथ सलूक किया जा रहा है, उनको अलहदा बर्तन है और पाकिस्तानी का पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी इस तरह तो नहीं होना चाहिए, मुझे खुद बहुत बुरा लगा और जो ये पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं इंडिया वाले इसके साथ मुसलमानों के साथ कभी नहीं इस तरह सलूक किया, अच्छा सलूक करते हैं जी। इस बात का जी इस बात का हमारा दिल भी भाई दरअसल हमारा किसी का दिल जो है ना उसका दिल ना थोड़ा जाए, दिल ना करना की हमारे दिल को जो है ना रखा जाए, हमारा दिन ये जाना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में यही फरमाया था कि किसी काले को गोरे पे और गोरे को काले पे किसी किस्म की कोई फौकियत नहीं है, सब बराबर है, मैंने अपना दीन सबके लिए बराबर कर दिया। हाँ जी। और ये बात वाकई सच है कि सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, ना कि किसी में तफरीक हो, फर्क हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपको पता है कि हर रोज किसी न किसी मेहमान को साथ बिठा कर खाना खाते थे, वो तो नहीं देखते थे कि ये मुशरक है ये मुसलमान है या मतलब मेरे मजहब का। बच्चों आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? बिलाल बेटा कोई आप में से कोई और को कमेंट करना चाहेगा? आपको कैसा लगा ये देख कर? बुरा लगा, ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में? हम पहले सब किसको रखते हैं, इंसानियत को पहले किसको रखना आगे? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान छोड़ के हर किसी मुल्क में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नरमा सलूक नहीं करना चाहिए, किसी को भी डिहार्ट नहीं करना चाहिए, डिसग्रेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इक्वल रखना चाहिए। तो भाई हमारे जो भाई रुखसार का अगर मुसलमान रहते हैं ना इंडिया में उनके साथ ऐसा नहीं सलूक होता, बकायदा आप किसी इंडियन से पूछे ना किसी हिंदू से वहां पूछे भी आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, तो वो कहीं कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुसलमान निकलता है उनका, यही वजह है भाई। हमें सारे बच्चों ने भी कहा जिस तरह नहीं हो जाए, बच्चों को बताना ये मकसद था कि हमें सबसे पहले किसको रखना चाहिए, इंसानियत को, इंसानियत को। अगर हमें उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी होगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, शेयर करेंगे तो ये पॉजिटिविटी फैलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, नेट ऑफ जाता, तब तक दीजिए इजाज़त।